हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये EMR रिले के बारे में बात करेंगे। पहले तो ये EMR क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज, इसे शॉर्ट में बोलते हैं EMR। एक्चुअली ये जो EMR है इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है और हर कोई जगह में इसको ये यूज़ किया जाता है, कोई भी चीज़ को ऑटोमेट करने के लिए। देखिए ये डिफरेंट टाइप का है, हम हर टाइप का भी देखेंगे, हर कैटेगरी हर क्लास का भी थोड़ा उसको ब्रीफली डिस्कस करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ये देखिए ये जो EMR रिले है, इसको खास करके कोई अगर डीजल जनरेटर है उसको ऑटो ऑन ऑफ करने के लिए उस जगह में यूज़ होता है, कोई ब्रेकर कोई किसी को ऑन ऑफ करना है ऑटो मोड में उस जगह में यूज होता है। जैसे कि वेराइटी टाइप का जो ये रिले है उसका फास्ट ऑपरेशन है। जैसे कि ये देखिए, ये उसका सर्किट डायग्राम है। ये देखिए, ये एक्चुअली जो है 8 लेग वाला वो रिले है। इसमें देखिए ये उसका है कॉयल है, कॉयल का पाथ ये है 2 और 7 जो है उसका टर्मिनल है, और ये जो बाकी जो है वो सब उसका कॉन्टैक्ट है। ये देखिए ये सब उसका कॉन्टैक्ट, ये जो यह है 6 नंबर से जो 8 नंबर तक गया है वो एक NO कॉन्टैक्ट है, मतलब नॉर्मली ओपन कंडीशन में है, और ये जो 5 से 8 तक ये अभी नॉर्मली क्लोज पोजीशन में है। एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट में वही है, जैसे कि 1 नंबर से जो गया है वो 4 नंबर जो टर्मिनल है उसके बीच में NC है, नॉर्मली क्लोज है, और 1 नंबर से उसका जो 3 नंबर के में गया है वो नॉर्मली ओपन पोजीशन में है, जबकि उसको सोर्स नहीं मिला उसका कॉयल को, ये एनर्गाइज नहीं हुआ उस कंडीशन में ये सब। और ये जो है ये रिले का कॉयल का ऑपरेटिंग देखिए 220 वोल्ट DC ये ऑपरेटिंग वोल्टेज है, इस कॉयल को इतना ही चाहिए ऑपरेट करने के लिए। ये जो जैसे कि और एक रिले ये देखिए सेम है, लेकिन इसका है ऑपरेटिंग वोल्टेज 24 वोल्ट। इसका देखिए सर्किट डायग्राम सेम है, 5 से 8 6 से 8 NO है, 4 to 1 देखिए 24 वोल्ट DC है ऑपरेटिंग। ये और एक देखिए इसका देखिए 110 वोल्ट AC है उसका कॉइल को चाहिए, और किसी को हर जगह में नहीं लगा सकते, उसको जिसको जहाँ रिक्वायर्ड है उसी जगह में हम लगाएंगे, वो कॉइल का जहाँ भी हमको सोर्स मिलेगा उसी हिसाब से उसको एप्लीकेशन है। ये देखिए वही सेम है, कॉन्टैक्ट सेम है, चार नंबर से देखिए वही सेम 1 नंबर पे गया है। देखिए उसका जो है कॉन्टैक्ट बाकी सब समान है। उसके अंदर क्या क्या है उसको भी देखेंगे। जो है उसके अंदर कैसे प्लेट वो टच होता है, कैसे NO NC होता है उसको भी ब्रीफली हम लोग देखेंगे। ये देखिए ये
जो रिले है वो बहुत ही बहुत ज़्यादा दिन तक ये जाता है, उसका मतलब जो है इजीली से ख़राब नहीं होता है। खाली वो नॉर्मल क्या होता है उसका जो कॉन्टैक्ट है वो तो कॉन्टैक्ट कभी कभी थोड़ा रॉस्ट बैठ जाता है अंदर, देखिए ये वाला जो कॉन्टैक्ट है कभी थोड़ा कोटिंग बैठ जाता है, वो कोटिंग को क्लीन कर देने से वो सालों साल जाता है, ऐसे ही लगा रहेगा। मतलब इसमें हमको वन टाइम ही खर्चा करना पड़ेगा और उसमें ज़्यादा कोई ये नहीं। देखिए ये जो कॉन्टैक्ट है ये एन सी है ऊपर वाला, नीचे वाला एन ओ है, ऊपर वाला जो अब भी ऑलरेडी टच में है ये एन सी है। हम देखिए ये जो है ये एन सी एन ओ जो है वो ये स्टोर के थ्रू उधर आया, इधर आया है। इस स्टोर को हम सॉकेट में जब घुसाएंगे, ये जो उसको लेग बोल सकते हैं, स्टोर बोल सकते हैं, लीड बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आपके ऊपर डिपेंड है। ये जो है ये 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग है, जैसे वो सर्किट डायग्राम में नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 वहाँ पे सर्किट में दिखाया गया है, इसीलिए अलग अलग पोजीशन में। यहाँ पे देखिए सर्कल में है और 8 नंबर ऑफ वो लेग है उसका, ये देखिए ये जो नंबर है ये नंबर उधर है, 1 और 8 के बीच में हमारा है नंबर 1 कहाँ है और नंबर 7 नंबर 1 और 7 के बीच में वो कॉइल का टर्मिनल है, बाकी एन ओ एन सी का टर्मिनल है, देख लीजिए अच्छे से। सॉरी 2 और 7 के बीच, 2 और 7 के बीच में अभी हमारा कॉइल का है, ये देखिए कहाँ पे है 2 नंबर, हाँ ये देखिए 2 नंबर है और ये है 7 नंबर। ये दोनों है उस कॉइल, वो जो 220 वोल्ट डीसी हो, एसी हो, 24 वोल्ट का डीसी हो, ये उधर ही देना है। ये मेन चीज़ है, ये कॉइल को जाएगा तो बाकी कॉन्टैक्ट अपने हिसाब से काम करेंगे। ये देखो हम उसको चेक करेंगे एक्चुअली वो कॉन्टैक्ट एन ओ एन सी क्या है ये मल्टीमीटर में, ऑलरेडी ये मल्टीमीटर का हम पहले उसको दिखा चुके हैं। ये देखिए किस किस बीच में आएगा, नंबर 1 एंड नंबर 4 के बीच में ऑफ कंटिन्यूटी दिखाएगा और नंबर 8 एंड नंबर 5 के बीच में कंटिन्यूटी दिखाएगा और रेस्ट किसके किस में नहीं दिखाएगा, अभी नंबर 8 एंड नंबर 6 में नहीं दिखाएगा अभी, क्योंकि अभी इनो है, नॉर्मली ओपन कंडीशन में है उसका कॉन्टैक्ट। वैसे इस जगह में नंबर 3 नंबर 1 इसके बीच में नहीं दिखाएगा अभी, ये सब को हम वेरीफाई करेंगे एक्चुअली में ये जो है ईएमआर परफेक्ट है या नहीं, कुछ गड़बड़ है। इसको देखिए मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी में सेट कर दिए और आपस में टच करा के उसका कंटिन्यूटी कंफर्म कर लेंगे और ये वीपिंग आवाज आ गया तो ठीक है, उसको पुश करना है, पुश करके हम लोग अच्छे तरह से कंटिन्यूटी का सेट जो है वो ठीक होना चाहिए, नहीं तो हमको क्लियरली पता नहीं चलेगा एक्चुअली वो ठीक दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। उसको अच्छे से देखिए अभी आ गया, अब हम इसमें चेक करेंगे उस ईएमआर का कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, कभी अगर कोई ख़राब भी हुआ है तो उसको आप इसे ओपन करके इसे कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, करके आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। नंबर तो याद क्या होगा ना, और नहीं तो देख लीजिए फिर से उस नंबर के बीच में हमको कंटिन्यूटी करना है।
हमको नंबर फोर में फिक्स करना है। और यहाँ पे टच कराना है, और बीपिंग आवाज आ गया मतलब कंटिन्यूटी है, लेकिन बाकी किसी में नहीं आना चाहिए। देखिए अच्छे से उसका बगल को टच कर रहा है, इसीलिए वो बाकी में भी आ जा रहा है। ये नहीं आना चाहिए एक्चुअली, इसलिए बाहर से उसको लगा के देखेंगे, बाहर में लगा के देखेंगे। अगर आ रहा है तो ठीक है, देखिए मतलब हाँ अभी उसमें आएगा, ओनली उसी में ही आएगा, बाकी किसी में आएगा नहीं, ताकि उसका खाली ओनली उसी में ही आएगा, आना चाहिए नंबर वन एंड फोर में ही आना चाहिए, दूसरों में नहीं आना चाहिए। वैसे ही बाकी का जो एनो पोजीशन है उसको भी चेक कर लेंगे, और एक को इंडिविजुअली उसको हम चेक कर लेंगे कंटिन्यूटी के थ्रू। कंटिन्यूटी आपको तो समझ आ ही गया होगा कंटिन्यूटी क्या है। ये देखिए छः नंबर के और आठ नंबर में नहीं आना चाहिए, और किसी कारण वजह से आ रहा है तो हमको स्प्रिंग कहाँ पे मतलब लूज हो गया है, वो कहाँ से वो कॉन्टैक्ट टच हो जा रहा है उसके वजह से आएगा। जो एनओ है वो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, और जो एनसी है वो आना ही चाहिए, हर हालत में आना चाहिए जब तक उस एनर्गाइज नहीं हुआ है। अगर नहीं आ रहा है तो मतलब कोई कुटिंग फुटिंग बैठ गया है, जो आपस में टच नहीं हो पा रहा है कॉन्टैक्ट प्लेट, उसको हम लोग दिखाएंगे आगे कैसे उसको ओपन करके आप चेक कर सकते हैं, उसको क्लीन करके ठीक भी कर सकते हैं, ये कोई बड़ा बात नहीं, आप आराम से उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये देखिए ये बाहर में जो है वो सर्किट की तरह दिख रहा है, अंदर में जो है वो फिजिकली प्लेट है। अब देखिए ये एक टूटा हुआ वाला, उसको लाकर हम देखेंगे। ये देखिए ये आप फिजिकली उसको चेक कीजिए, देखिए ये थोड़ा ज़्यादा कॉन्टैक्ट का है, लेकिन देखिए ये बीच में जो है कॉइल है और ये कॉन्टैक्ट है। ये देखिए इसको पुश करके हम जो लगा रहे हैं ये कॉन्टैक्ट है, हम जो कंटिन्यूटी देख रहे हैं वही कॉन्टैक्ट का ही देख रहे हैं। देखिए खराब हुआ है, जल गया है कॉइल एक्चुअली, देखिए बीच में वो सेंटर में वो कॉइल है, जो कॉइल को हम लोग चेक कर रहे थे, देख रहे थे जो सर्किट में, और ये जो है ये जो प्लेट टाइप का जो टच हुआ है ये सब कॉन्टैक्ट है। ये देखिए पास ले आएंगे उसको और सर्किट के साथ मैच कर लेंगे। ये देखिए ये जो कॉइल है फिजिकली कॉइल ये है, सर्किट में कॉइल ये है, ये दो नंबर सात नंबर जो है ये इधर वायर के थ्रू उधर गया है और लेग में और लीड में लगा हुआ है। देखिए यहाँ से जाकर लगा है, ये जो है फिजिकली आप देख लीजिए सर्किट के साथ मैच करा के, और ये जो है ऊपर में जो है वो कॉन्टैक्ट है, जो कॉन्टैक्ट हमको चाहिए वो ही देखिए ऊपर में जो टॉस किया गया है उसमें देखिए कोटिंग बैठ के ख़राब हो गया है। देखिए नीचे ऊपर अभी एनसी कंडीशन में है, जब ये मैग्नेटाइज होगा ये वाला प्लेट नीचे दब जाएगा, ये अभी नीचे वाला एनसी हो जाएगा, ऊपर वाला ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा, यही नॉर्मली ईएमआर का काम है। ये देखिए यही देखिए ये एनसी एनओ है, ये जो है, और इसका देखिए इसका लेग है कितना, आठ लेग है, इसीलिए इसका एनओ एनसी कम है, और ये जो है इलेवन लेग और इलेवन लीड है,
देखिए गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 11 है, लेकिन इसीलिए उसका एन ओ एन सी कॉन्टैक्ट और दो एक्स्ट्रा है, मतलब एक एन सी और एक एन ओ एक्स्ट्रा है, उसके मुकाबले वो 8 लैक्स है, इसका ज़्यादा है, इसीलिए इसमें ज़्यादा हम मतलब इसका यूज जो है ज़्यादा होगा, मैक्सिमम यूज होगा इसका, क्योंकि कॉन्टैक्ट ज़्यादा है जहाँ पे मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स है, 3 NO 3 NC है, यहाँ पे 2 NO 2 NC है। और देखिए लेड भी इसके जगह में उसको नहीं लगा सकते क्योंकि उसका जो सॉकेट वाला जो पोर्शन है वो डिफर है, इसका जो है देखिए ये सबको आप मैच करा लीजिए, देखिए और कोई दिखता सेम है, कलर सेम दिखता है कोई कवर, लेकिन ये सब अलग अलग डिफर डिफर है, उसको अच्छे से देखिएगा नहीं तो जल जाएगा, उसके जगह में इसको लगा देने से वो बर्न हो जाएगा। ये जो है इसका सॉकेट है, वो सॉकेट वो लगा होगा वो पैनल में या जहाँ पे आपको यूज करना है उस जगह में ये सॉकेट लगा होगा, उस सॉकेट में इसको तो इंसर्ट करना है। देखिए सारा कुछ देख लीजिए कितना डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है, कंपनी लेके या उसका यूज लेके, लेग लेके, वोल्टेज लेके, सब डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन ऊपर वाला जो है कवर का जो कलर है बराबर कोई दिखता है, लेकिन सबका मतलब रिक्वायरमेंट वोल्टेज ये सब डिफर है, उसका कॉइल का जो है ओम जो है डिफर डिफर है, इसीलिए इसको लेकर हम 110 वोल्ट इसी को लेकर लगा देंगे 220 में तो जल जाएगा, इसीलिए एप्लीकेशन के हिसाब से इसको यूज करना है। देखिए